Dear students, this is your English class and the poem Everyday Things. हमने अब तक इस बुक में आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें 5 लेसन पढ़ लिए हैं एंड आफ्टर द 5th लेसन दिस इज द पोएम एवरीडे थिंग्स. एवरीडे काम आने वाले थिंग्स. देखिए क्या कह रहा है राइटर कि millionaires, even presidents, even kings can't get along without everyday things. कि चाहे वो millionaire हो चाहे president, millionaire का मतलब अरबपति हो चाहे presidents हो, even kings जो है वो without everyday things चल नहीं सकते हैं. Can't get along मतलब नहीं चला सकते हैं काम. Were you president, king or millionaire, you would use a comb to comb your hair. आप चाहे president हो चाहे king हो चाहे millionaire हो, आप अपने हेयर को कॉम करने के लिए कॉम का यूज़ करोगे. इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड आई होप यू वुड टेक ए बाथ विथ वाटर एंड सोप. आपको अपने आप को क्लीन करने की विश मतलब इच्छा है तो आई होप आप बाथ लेंगे वाटर और सोप के साथ में. एंड यू वुड हैव टू ईट और आपको खाना खाना है. एंड इफ़ यू वांटेड टू ईट और आपको आप खाना खाना चाहते भी थे तो भी आप क्या खाओगे? Bread and vegetables, fish and meat. While you drink for a breakfast would probably be milk or chocolate, coffee or tea. और आपके breakfast के time period में probably, possibly आप milk या chocolate या coffee or tea लेंगे. You'd have to wear, you could hardly refuse, underclothes, outer clothes, stockings and shoes. और आपको पहनने हैं clothes तो आप इस चीज़ से hardly refuse कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं कि आप अंडर क्लोथ्स पहनेंगे, आउटर क्लोथ्स पहनेंगे, स्टॉकिंग्स मतलब सॉक्स पहनेंगे, शूज पहनेंगे. मतलब आपको कॉमन मैन हो चाहे वो बड़ा किंग हो चाहे प्रेसिडेंट हो, ये बेसिक थिंग्स है जो सबको चाहिए होती है. चलिए, इफ़ यू विश टू मेक ए रिमाइंडिंग नोट, आपको कुछ याद रखना है तो उसको रिमाइंडिंग नोट लिखने के लिए यू टेक ए पेंसिल आउट ऑफ योर कोट, आप अपने कोट से एक पेंसिल निकालेंगे. एंड यू कुडंट साइन अ लेटर आई थिंक with anything better than pen and ink. और आपको साइन भी करने हैं तो आप पेन और इंक से बेटर चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती सिग्नेचर करने के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. If you wanted to read, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, you would sure to look at newspaper, magazine or book. तो sure है कि आप कोई बुक देखोगे, newspaper देखोगे, magazine देखोगे. And if it happened that you were ill, और मान लीजिए ऐसा होता है दैट यू वर इल, आप बीमार पड़ गए, देन यू डाउन सम ऑयल और चौक ऑन ए पिल. तो या तो किसी तरह का कुछ ऑयल वगैरह आप कुछ लेंगे या आप पिल, पिल का मतलब होता है टेबलेट, टेबलेट जो है उसको निगलने में, चौक मतलब उसको निगलने में गला आपका रूंधेगा अर्थात आपके गले में चौक हो जाएगी, वो टेबलेट आपके फंस भी सकती है जस्ट लाइक कॉमन मैन.